नमस्कार, मैं हूं जिज्ञासा और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज डॉट इन। आज मैं कोई पॉलिटिकल किस्सा आपको नहीं सुनाने जा रही, आपको बताने जा रही हूं बिहार के एक दाता दानी की कहानी। स्टोरी एक ऐसे शख्स की है जो बहुत दूर रहकर भी बिहार के गरीब बच्चों की चिंता करता है, पढ़ाई पर सालाना बड़ी राशि खर्च करता है और खुशी बस इससे हासिल कर लेता है कि जिन गरीब बच्चों की परवरिश की वह देश के IIT और NIT में पहुंचकर बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। मुझे पता है आप भी चौंक रहे होंगे कि ऐसा दाता दानी बिहार में आखिर कौन है। आप इसलिए नहीं जान रहे हैं क्योंकि इस दाता दानी को किसी शोहरत की लालसा नहीं है, कोई पॉलिटिकल चाहत भी नहीं है। हाँ, धन दौलत इतना है कि सही वक्त पर सही व्यक्ति की मदद करने में हाथ कभी बांधते नहीं हैं। चलिए अब बता ही देती हूँ, इस महान शख्सियत का नाम है AD सिंह। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, AD सिंह। यही वो नाम है जो पर्दे के पीछे रहते हैं और बड़ी संख्या में बिहार के गरीब बच्चों को प्रत्येक साल IIT NIT में इंजीनियरिंग पढ़ने को तराशते हैं, संवारते हैं। अब डॉक्टर बनाने को मेडिकल की तैयारी कराने के प्लान पर भी काम शुरू कर चुके हैं। जी हाँ, ये जो AD सिंह हैं वो पटना के ही पालीगंज इलाके के एन खां गांव के रहने वाले हैं, पर आज इनका आशियाना दिल्ली और दुनिया के कई देशों में है। जन्म बड़े ज़मींदार परिवार में हुआ लेकिन बहुत कुछ ढहते भी देखा है। पटना के सेंट माइकल स्कूल में पढ़े हैं, फिर अपने बूते बिजनेस की दुनिया में बड़ा एम्पायर खड़ा किया, परिणाम आज उनका कारोबार भारत समेत कई देशों में है। AD सिंह की बिग पर्सनालिटी की बड़ी खूबसूरती ये है कि बिहार से बहुत दूर होने पर भी माँ की मिट्टी की सौंधी महक को नहीं भूलते हैं, जन्मभूमि के कर्ज को याद रखते हैं। दाता दानी तो वे दुनिया में कईयों के लिए हैं, पर बिहार की मिट्टी की सेवा करने के उनके धुन ने तब आकार ले लिया जब 2015 में AD सिंह बिहार के रिटायर्ड DGP अभ्यानंद से मिले। अभ्यानंद की पहचान IPS ऑफिसर से भी अधिक सफल गुरु की है। पटना में सुपर 30 की स्थापना में अभ्यानंद और आनंद कुमार साथ साथ थे, लेकिन 2015 से पहले ही दोनों की राहें जुदा हो चुकी थीं। अभ्यानंद अब भी गरीब बच्चों को IIT की तैयारी कराने को बेचैन थे, बहुत कुछ कर भी रहे थे, किंतु ईमानदार अभ्यानंद के सामने संसाधन और खर्चे की समस्या मुंह बाए खड़ी रहती थी। पर साल 2015 में जब AD सिंह और अभ्यानंद संयोग से मिले तो सभी समस्याओं का अंत हो गया। खुले हाथ वाले दाता दानी AD सिंह ने अभ्यानंद को आगे चलने को कहा, किसी खर्चे की फिक्र न करने की बात कही, फ्री स्टडी, फ्री बोर्डिंग, फ्री फूड पर जितना भी खर्च हो सब उठाने को तैयार हो गए AD सिंह। अपने माता पिता के नाम से AD सिंह ने फाउंडेशन की स्थापना कराई और तब से अभ्यानंद सुपर 30 निरंतर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अभ्यानंद एंड टीम को सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना होता है, गरीब बच्चों के सिलेक्शन में कोई चूक न हो कड़ाई से ध्यान रखा जाता है, बाकी सारी व्यवस्था AD सिंह देख लेते हैं। विदेश दुनिया में जहाँ भी हो, पटना में अपने सेंटर में पढ़ रहे बच्चों का ख्याल रखते हैं। AD सिंह इस कदर चुपके वाले दाता दानी हैं कि आपको गूगल पर भी नहीं मिलेंगे। पिछले दिनों किसी जर्नलिस्ट ने जब उनसे पूछा तो उनका जवाब था, दौलत और शोहरत नहीं, मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे सुखतम क्षण तब था जब होली पर मैं दिल्ली में था और तभी IIT दिल्ली में पढ़ने को मेरे पटना सेंटर से पहुँचे कई छात्र मिलने को आ गए थे। मेरी आंखों में खुशियों की लौ जगमगा रही थी। अब खबर ये है कि AD सिंह ने इसी साल 2018 से बिहार के गरीब छात्रों के लिए मेडिकल की तैयारी शुरू कराने का जिम्मा भी उठाया है। लाइव सिटीज़ की पूरी टीम की ओर से AD सिंह को कोटि कोटि शुभकामनाएं, ताकि वे ऐसे ही बिहार की निरंतर सेवा करते रहें। ये थी लाइव सिटीज़ की स्पेशल रिपोर्ट, आप बने रहिए हमारे साथ हमारी अगली अपडेट्स के लिए। नमस्कार।